दोस्तों आजकल लोगों में 99 स्टोर पर खरीदारी का बहुत प्रचलन बढ़ गया है और इसकी एक खास बात ये होती है कि यहाँ पर आपको सभी सामान 99 में ही मिलता है। तो भारत देश में जहाँ अधिकतर लोगों की आमदनी बहुत कम है और वह इसलिए क्योंकि यहाँ पर सस्ते दामों पर बस्तियों की खरीदारी बालों की कोई कमी नहीं है। यही कारण है कि ऐसे 99 स्टोर में हर समय ग्राहकों की भीड़ देखी जा सकती है। तो अगर आप भी इस समय बहुत कम लागत और बहुत अधिक मुनाफे वाले बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको ए टू जेड पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप बस अंत तक इस वीडियो में बने रहें। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडिया यूट्यूब चैनल। आज हम आपको 99 स्टोर बिजनेस प्लान लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि खोलने का क्या स्कोप है, क्या डिमांड है, कितने तरीके से आप 99 स्टोर खोल सकते हैं, 99 स्टोर खोलने के लिए ज़रूरी इंतजाम क्या लगेंगे, 99 स्टोर खोलने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा। साथ में अंत में हम बताएंगे कि अगर आप 99 स्टोर खोलना चाहते हैं तब आप किस तरीके से सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस वीडियो हम 99 स्टोर खोलने की पूरी जानकारी दे रहे हैं। अगर फिर भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि 99 स्टोर खोलने का बिजनेस क्या है। दोस्तों 99 स्टोर बिजनेस में आपको एक शॉप खोलना होता है जिसमें आपको एक ऐसे प्रोडक्ट रखने होते हैं जो कि कस्टमर 99 रुपए में खरीद सके। और 99 स्टोर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें आपको आपके किराने के सामान से लेकर हेल्थ हुआ, ब्यूटी हुआ, किचन हुआ सामान आदि 99 रुपए में मिल जाते हैं, इसलिए ग्राहक भी ऐसे स्टोर पर जाना पसंद करते हैं। तो इन प्रोडक्ट पर मुनाफा भी अच्छा होता है जिसे आज कई लोग फुल टाइम भी कर रहे हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन और इन्वेस्टमेंट की अगर हम जानकारी की बात करें तो आगे इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, इस वीडियो में बने रहें। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं 99 स्टोर बिजनेस का स्कोप और डिमांड कितना है। दोस्तों अगर आपको सामान ऑनलाइन खरीदते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, उस सामान की कीमत, प्राइस कॉस्ट। और आप कहीं से भी खरीदारी करते हैं तो सबसे पहले आप उसकी प्राइस कॉस्ट या कीमत ही देखते हैं। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 99 स्टोर खोलते हैं तब कस्टमर 99 रुपये का सामान खरीदने क्यों नहीं आएगा। आज पूरे इंडिया में 99 स्टोर का कॉन्सेप्ट बहुत धूमधाम के साथ चल रहा है। आप भी इस बिज़नेस को अपने शहर या गाँव में स्टार्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट जो है कि दोस्तों 99 स्टोर खोलने के तरीके। तो 99 स्टोर खोलने के आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आप खुद का 99 स्टोर खोल सकते हैं जिसे आप टॉप 99 स्टोर, 99 आदि नाम दे सकते हैं, या फिर आप 99 स्टोर की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। अगर आपने खुद का 99 स्टोर खोलते हैं तब आपको 99 स्टोर के प्रोडक्ट की लिस्ट आपको खुद बनानी होगी, और अगर आप 99 स्टोर की फ्रेंचाइजी लेकर शुरू करते हैं तब आपको प्रोडक्ट की लिस्ट जो फ्रेंचाइजी भी देती है वो आपको प्रोवाइड कर देगी। अगर कॉस्ट वाइज अगर देखें दोनों में डिफरेंस क्या है तो खुद का 99 स्टोर आप कम इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी की फ्रेंचाइजी लेते हैं 99 स्टोर की तब आप उनके मॉडल के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, जो कि कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए ये तो बात हुई तरीके की कि आप किस तरीके से ये 99 स्टोर खोल सकते हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस टॉपिक पर बात कर लेते हैं दोस्तों 99 स्टोर खोलने के लिए ज़रूरी इंतजाम। सबसे पहला इंतजाम दोस्तों शॉप, दुकान आपको खरीदनी होगी। जगह का सिलेक्शन इस तरीके से करना होगा जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, क्योंकि अगर जगह अच्छी रहेगी तो बहुत ज़्यादा कस्टमर आपकी दुकान पर आएंगे। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसकी आपको इंतजाम करना होगा वो है स्टाफ, कर्मचारी का सिलेक्शन। एक काउंटर पर आपको बिठाना होगा कस्टमर को सामान देखने के लिए, दिखाने के लिए, हेल्प करने के लिए, और कुछ आपको साफ़ सफाई के लिए कर्मचारी या हेल्पर भी लगेंगे। तो इस तरीके से आपको स्टाफ, कर्मचारी रखने होंगे। तीसरे नंबर पर आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रोडक्ट लिस्ट। दोस्तों प्रोडक्ट लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कौन से प्रोडक्ट रख रहे हैं, आपके मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है। और 99 में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो आप अगर छोटे लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं तब आपको ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो। चौथे नंबर पर आपको बिजली कनेक्शन देना होगा, बहुत अच्छे से डेकोरेशन सामने से करना होगा, अंदर भी करना होगा, जिसमें बिजली का कनेक्शन तो करना ही होगा। इसके अलावा पांचवा आपको इंतजाम करना पड़ेगा वो है इंटीरियर डिज़ाइन। अब बाहर का भी इंटीरियर डिज़ाइन आपको अच्छा करना पड़ेगा, अंदर का भी डिज़ाइन अच्छा करना पड़ेगा। जब ये दोनों आप अच्छे से कर लेंगे तब आपको ग्राहक दुकान देख कर ही आएंगे। और छठवां नंबर है सप्लायर का चुनाव। जो प्रोडक्ट आप 99 के रख रहे हैं उनको सप्लाई आप कहाँ से किया जा रहा है तो वो आपको ढूंढना होगा, जिससे कि जब भी जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड हो आप उस प्रोडक्ट को रख पाएँ।
तो ये तो हुआ जरूरी इंतजाम। अब बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट कहाँ से खरीदें। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, वो सप्लायर का आपको चुनाव करना होगा। तो आपके अगर सप्लायर की बात करें तो लोकल मार्केट से ऐसे प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना होगा जिन्हें आप आसानी से 99 रुपये में कुछ कमीशन के लेकर बेच पाएँ। जैसे कि 75 या 80 में मिल रहा है उसको आप 90 में बेच 99 में बेच पाएँ, या फिर आप दिल्ली का जो होलसेल मार्केट है वहाँ से बहुत सस्ते सामान खरीद कर भी ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट ला सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं 99 स्टोर बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट मार्जिन, ये दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। दोस्तों 99 स्टोर या 99 स्टोर बिजनेस की खासियत ये है कि इसे आप छोटे लेवल पर भी ओपन कर सकते हैं या फिर बड़े लेवल पर भी इन्वेस्टमेंट करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। 2 से 10 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट पर आपकी दुकान आसानी के साथ खोल सकते हैं। इसमें अगर हम देखा जाए 2 से 10 में जो प्रोडक्ट की अकेली कॉस्ट है, इसमें आपको आपका कॉस्ट बताना है, आपके कर्मचारियों का, बिजली का, शॉप का, ये आपको अलग से जोड़ना होगा जो कि आपको हर महीने लगने वाला है। तो 2 से 10 लाख रुपए का आप सामान आसानी के साथ रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किस लेवल पर इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। ये जो भी इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताए हैं, इनमें स्टाफ हुआ, बिजली हुआ, शॉप किराया हुआ, ये सब आपके बिजनेस प्लान या प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आना चाहिए, जिससे कि आपको पूरी जानकारी हो कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है और कहाँ से पैसा प्रॉफिट में चल रहा है। बात कर लेते हैं 99 स्टोर बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन। जहाँ तक कमाई का सवाल है दोस्तों, अधिकतर अगर व्यापारी इस बिजनेस में 25% तक का मार्जिन आसानी के साथ कमा लेते हैं। अगर आप कोई सा प्रोडक्ट 70 से 75 रुपये में भी लाते हैं तब आप उसे आसानी के साथ 99 में बेच सकते हैं। और अगर हम ओवरऑल देखें, अगर मान के चलिए कि एक महीने में आप 5 लाख रुपये का सामान बेचते हैं तो महीने का लगभग 1 लाख रुपए तक की आप कमाई कर सकते हैं। यही अगर 10 से 12 लाख रुपए का अगर आप माल बेचते हैं एक महीने में तो ये कमाई आपके दोगुनी हो जाएगी, मतलब 2 लाख से 3 लाख के रुपए में आप आसानी के साथ 99 स्टोर बिजनेस में प्रॉफिट कमा सकते हैं। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों कि 99 स्टोर बिजनेस में सफल होने के टिप्स क्या हैं। तो पहला टिप तो यही है दोस्तों, आपको मार्केटिंग अच्छी करनी होगी ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करें तो आपको फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपके शहर में जो फेसबुक के यूज़र हैं उनके लिए आप एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन में आप पैम्पलेट है, माइक वगैरह है, जगह जगह आपकी माइक से एक टैक्सी चलवा सकते हैं, पैम्पलेट छपवा सकते हैं, पैम्पलेट लगवा सकते हैं, बोर्ड लगवा सकते हैं, होर्डिंग लगवा सकते हैं। ये तमाम तरह के मार्केटिंग के साधन हैं, जो आपको सुटेबल लगे आप वो मार्केटिंग का शुरू कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पर, जब आपका 99 स्टोर शुरू हो जाता है तब आप उसमें ऑफ़र और डिस्काउंट भी रख सकते हैं जिन्हें देखकर ग्राहक बहुत जल्दी आपकी दुकान में आएंगे और जो कस्टमर को भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो आप ऑफ़र और डिस्काउंट भी रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोडक्ट सिलेक्ट आपको ऐसा करना होगा जो कि मार्केट में, आपके मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में हो, जिससे कि आपकी दुकान पर ग्राहक आते ही जाएँ। कस्टमर के साथ रिलेशन आपको अच्छे से रखना होगा। आपके जितने भी कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, लेबर हैं, उन सबको ये समझाना हुआ है कि कस्टमर भगवान का रूप होता है, उनके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करें। इसके अलावा दोस्तों आपको आपकी दुकान और इंटरनल डेकोरेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, जिससे कि दूर से ही आपकी दुकान चमके और दूर से ही आपकी दुकान की तरफ लोग अट्रैक्ट हों। तो इस तरीके से आपको डेकोरेशन करना होगा। इस तरह से हमने आपको 99 स्टोर बिजनेस किस तरीके से आप शुरू करें पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। साथ में ये वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमें बताता है कि हमने वीडियो कैसा बनाया है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी तरह की बिजनेस की वीडियो आपको मिलती रहेगी। कल फिर एक नए बिजनेस आइडिया साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।